महेंद्र यादव की हत्या को लेकर बेंगाबाद के बड़कीटांड में बुधवार को कई नेताओं ने हत्यारे के गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान माले नेता राजेश यादव, बेंगाबाद के जीप सदस्य केदार हाजरा तथा टाड़ाटाड़ पंचायत के मुखिया वीरेंद्र दास सहित कई अन्य ने बड़कीटांड निवासी 28 वर्षीय महेंद्र यादव नामक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दिए जाने के मामले में अविलंब हत्यारों को पकड़ने की मांग की है। बताया गया कि महेंद्र यादव की मंगलवार शाम अपने घर से बेंगाबाद ड्यूटी जाते समय काशीटाड़ के नजदीक हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश व्याप्त है। जानकारी मिलने पर नेताओं और समाज सेवियों ने महेंद्र यादव के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हम सबों ने प्रशासन को मौका दिया है कि हत्यारों को ढूंढ कर निकाला जाए, लेकिन अगर इसमें तनिक भी लापरवाही बरती गई तो वे ग्रामीणों के साथ हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। मौके पर उक्त के अलावा माले नेता फोरदार सिंह, कामरुद्दीन अंसारी, सुखदेव यादव, छोटू दास, पवन शर्मा, पप्पू यादव, रामबाबू, राजू यादव, अशोक यादव, राजेश यादव, प्रदीप यादव, कैलाश यादव, भागीरथ यादव, हामिद अंसारी, कैलाश दास, दिनेश यादव, मंटू यादव, किशोरी राणा, सदानंद यादव, घनश्याम यादव सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। आज हमारे पंचायत में बहुत ही बड़ा दुखद घटना हो गया है। उनका परिवार का पूरा सहारा छिन गया है। बचपन में उनका पिताजी का इसी तरह का हाल हुआ था और उनका माँ बहुत दुख पर से उनको पाल के बड़ा किए थे और सोचे कि आस लगी कि अब मेरा बेटा कुछ करेगा, लेकिन पता नहीं आस विश्वास को सबको छीन लिया। जल्द से जल्द जो भी इस हत्या के पीछे साजिश किसे किया गया हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से। बस आज तराटर पंचायत ग्राम बड़कीटांड में बहुत दुखद की बात है, दुखद घटना भी हुआ है। जो मेरे प्रिय छोटे भाई के रूप में था महेंद्र यादव जी, रात में अचानक कल शाम में मिलते हुए और रात में सुनने को आया कि कर्णपुरा के समीप उसका दुर्घटना मारने का साजिश के तहत मार दिया गया। बहुत दुखद की बात है और मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं और मैं कहता हूं कि इस पर पुनः जांच किया जाए। जो इस तरह का जो घटना हुआ, बेरहमी से जो निर्मम हत्या करके मारा गया, उस पर जांच किया जाए और नहीं तो इसका आगे हम लोग जाँच के लिए आगे इसका प्रशासन को सौंपा जाएगा। और नहीं अगर लेते हैं इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जय हिंद।